कितने में बिक गया भाई साहब बैल? ये बिक गया क्या? कितने में बिका है? साढ़े तेरह हजार इतना हष्ट पुष्ट बैल 4,500 में बिका है? 13,500 का। जब भी यार कम है यार 13,500, इतना हष्ट पुष्ट पूरे पैसे लेते नहीं है इसमें। जैसे सुनो मेरी बात, सुनो मैं आपको ये बता रहा कि जैसे बाहर के व्यक्ति किसान जो बैल खरीदता है इसमें इसको भाड़ा लगता है, इसको 8,000-9,000 रुपए भाड़ा लगता है। लगता है इतना तो भाड़ा ही लग जाएगा इसका जाने। इतना भाड़ा लगेगा, एमपी में बैल जाएगा, उज्जैन में, ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर में जाएगा, महाकालेश्वर है ना, महाकालेश्वर मंदिर में वही जाएगा। इसके बाद इसमें एमपी में ले जाने के लिए रोकथाम भी होती है, पैसे देना पड़ता है, बीच में देना पड़ता है। कौन रोकता है, बजरंग दल या पुलिस वाले? बजरंग दल, पुलिस वाले सब रोकते हैं, सबों को देते देते जाते हैं, सब पैसे लेते हैं, हर जगह गाड़ी रोकना पड़ता है, हर जगह देना पड़ता है। एमपी ले जाने के लिए खर्चा भी लगता है, इसके पैसे भी देना पड़ता है। बजरंग दल बोलते ये मान्यता नहीं होते, कहाँ से लिखवा के लाया, क्या लिखवा? यार ये तो सरकारी मेला, आपको सरकारी पर्ची मिलती है, के बाद में ठाणे ले जाती पुलिस गाड़ी को, ये मान के चलो कलेक्टर लिख के देगा, उसके बाद में पैसे देना पड़ेगा हमको, पैसे देना पड़ेगा। कलेक्टर लिख के देता तो भी पैसे देना पड़ेगा, बाद में पैसे देना पड़ता है यार। आपको तो भाई एक बैल ही बहुत महंगा पड़ जाता होगा, ये बैल महंगा भी क्या करते हो, खेती करने के लिए क्या कर सकते हो? ये 13,000 का बैल मेरे को लगता है कि आपको पड़ता होगा कम से कम 30,000 रुपए में। ये 2,000 भाड़ा रहता है, ये किसान को पैसा मिलता ना, ये किसान को पैसा मिलता ना, उधर हमको फायदा रहता है, किसान को फायदा देता है उधर पे, वो तो है ही है यार भाई साहब। और पावती पूर्व बताने के बाद भी रोकते हैं ना ये। तो अभी कितने कितने बैल ले जाने वाले हो आप? मैं हम ले जाएंगे, कोई चार ले जाएंगे, दो लेगा, कोई चार लेगा, पूरा एक ट्रक ले जाओगे? हाँ। तो जब यहाँ से लोड करके ले जाओगे तो मेरे को लगता है कि आपकी जो धड़कन है वो धक-धक रहती होगी यार, खां पे धक-धक रहती है, खाना मुश्किल हो जाता है। अरे मेरी बात सुनो भाई, ऐसा है कि वो धक-धक ऐसी करती है कि कोई बीच में हमको ऐसा नहीं कि कोई परेशान कर दे, मारते भी है, मारते भी है, मारते भी है, लग जाते हैं। नहीं वैसा तो है, जैसा यहाँ जैसा ये मेले का परमिट है ना, कलेक्टर आदेश के हिसाब से। तो यार कलेक्टर, आप सब लोगों को एक बार कलेक्टर साहब से मिलना चाहिए और कलेक्टर साहब को बोलना चाहिए कि ये ऐसे क्यों होता है हमारे साथ में रास्ते में, बोले नहीं तो आप है ना अभी देखो, जब अभी है ना जैसे यहाँ पे वो होगा ना, उस रोज हम कलेक्टर साहब से निरीक्षण करेंगे कि हमारे उधर जाते तो आपका ये मेले का जो रहता है पशु मेले का परमिट, परमिट के हिसाब से वो परमिट बोलते हैं एमपी में ले जाने के लिए आदेश। क्योंकि यार एक कलेक्टर की पावर बहुत होती है, कलेक्टर की अगर कलेक्टर चाहे ना तो आपको पूरे आपके ठेठ वहाँ तक भी बैल पहुँचे और कोई रोक भी नहीं सकता आपको। यही चाहिए हमको, ऐसा क्यों होता है? हमको यही चाहिए कि हमको जैसे गाड़ी में हमारी जैसे पिकअप लाए इसमें तीन ही बैल ले जाते, उसके बाद भी अलाव नहीं है कि ले जाने का अलाव, बोले तुमको कौन सा कहीं नहीं ले जाते, अच्छा नहीं सिस्टम से ले जाते, सिस्टम से ले जाते, तीन बैल ले जाते। अपन इतने रुपए लगा के ले जा रहे हैं, जानवर को क्या दुखी करके ले जाएंगे क्या? पर यार भाई साहब आप तो खेती के लिए लेके जा रहे हो, और कभी ऐसा कुछ होता ले जाएंगे तो हमारे हिसाब से ये तो आवारा पशु भी बहुत घूम रहे हैं, उनको भी ले जा सकते हैं हम, उनका ले जाके क्या करेंगे? आपको काटने होते थे पर यहाँ से तो बहुत सारे, फिर ये खरीदोगे क्या? रोड के किनारे 50-60 बैठे हुए ना, फिर वो ट्रक में भरी है। आदेश यही चाहिए कि हमको जब तक हमारे घर तक गाड़ी पहुंच जाए हमको सुरक्षित। तो आप जहाँ पे वो पर्ची कटवाते हो बैल की, तो आपने एक बार उनको बोला कि यार भाई साहब ऐसे ऐसे रास्ते, अभी तक इस बार बोले, आप मेरी बात सुनो ना, जाओ ना तो उनको बोलना कि भाई साहब हमको एक नंबर दो, अगर रास्ते में हमको कोई रोकता तो हम आपकी बात करा सके। अगली बार हम ले गए कलेक्टर साहब लेंगे तो माल हम ले जाएंगे और नहीं तो नहीं ले जाएंगे। शांति, अगली बार हम जैसे ले गए थे पिकअप में, हमारे किसान को दो को मारा भी बजरंग दल वाले ने, फिर बाद में पिए हुए थे, दारू पिए हुए थे, अच्छा दारू पिए हुए थे, हाँ ये तो गलत बात है ना। तो हमारे किसान को इतनी दूर आए ना मार, अब आप यार तो इतनी दूर से आए हो मार खाने के लिए थोड़ी आए हो यार, परमिशन है जब भी माल ले जा रहे, कहीं चोरी करके तो ले नहीं जा रहे यार, सरकारी मेला है, सरकारी मेला है पशु का। अब यार तो ये कि वो सरकार से ऊपर हो गए, हाँ सरकार उन्हें कुछ नहीं, हर जगह रोकते हैं पुलिस वाले, परमिशन है उधर, सब दूर जाते हैं रोकने के बाद पैसे मांगते, पैसे होना तो कितने पैसे मांगते,
पैसे 1,000, 500, 200, 300। अरे पहले 5,000-7,000 की बोली चलती है, तो फिर गिंगा ना अपन ने कहना छोटे बच्चे हैं भैया हम खेती के लिए ले जा रहे हैं, उसके बाद में भी हाथा जोड़ी करनी पड़ती है, हाथा जोड़ी फिर इज्जत के लिए अपन को कुछ भी करना पड़ता है, इज्जत बचाने के लिए तो देना पड़ेगा ना। वो तो भाई चलो भाई साहब आप एक बार पर जब भी पर्ची कटवाओ तो वहाँ पे एक बार एक नंबर जरूर लेके जाना इसमें लेके किसी सरकारी आदमी का, ठीक है ना। ओरिजिनल कागज नहीं बता पाए तो ओरिजिनल फाट डाल, हमारे कागज भी फाट डाल दे, तो आप ऐसा करा करो ना सब अपने फोन में फोटो खींच के भी रखा करो, आपके पास में एक प्रूफ रहे। अगली बार फाड़ दिया था तो कोई फोटो नहीं खींची, बना फोटो खींची, मैं तो कहता हूँ फोटो कॉपी भी करा के रखा करो, फाड़ भी देंगे तो आपके पास सबूत तो रहेगा ना। जी 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 सही है बिल्कुल भाई साहब।